हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम एमएससी मैथ्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो कंप्लीट टॉपिक है लगभग हमारा मोर देन 30 वीडियोस में कवर होगा, तो इसको हम वन बाई वन करेंगे। आज देखें हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम आज कुछ बेसिक डेफिनेशंस उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आउटर मेजर, जो पूरा जो हमारा पेपर है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का इसमें यूज होगा कि आउटर मेजर क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। और लास्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। एक इंटरवल अगर है तो उसकी हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल डेफिनेशन है। सबको पता है कि अगर एंड पॉइंट ए एंड बी है तो जो आई इंटरवल है, सपोज ये हमारा इंटरवल है ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये ए और बी जो है वो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है वो हम क्या डिफाइन करते हैं, डिफरेंस ऑफ दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज बी माइनस ए। तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो क्या होती है, बी माइनस ए। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज ए क्लास ऑफ सेट्स इज कॉल्ड ए सेट फंक्शन। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास सेट फंक्शन की डेफिनेशन है, और सेट फंक्शन में क्या कहते हैं, फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज ए क्लास ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले फंक्शन का आप सबको पता है फंक्शन क्या होता है, एफ इज ए रूल और ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी सच दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए वी हैव यूनिक इमेज इन बी, ए के सभी एलिमेंट्स की मेरे पास बी में यूनिक इमेज होती है, इसमें सभी एलिमेंट्स की, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए वी हैव यूनिक इमेज इन बी, बी में हमारे पास एलिमेंट्स लेफ्ट आउट हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं ये जो सेट ए है, इस सेट ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन, और जो सेट बी है ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। और जो ए सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस वाला जो पार्ट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ जो डोमेन है इसमें हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो डोमेन है वो क्या होगी, क्लास ऑफ सेट्स, मतलब यहाँ जो डोमेन में मेंबर्स होंगे वो सेट्स की फॉर्म में होंगे, डोमेन इज क्लास ऑफ सेट्स। तो इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट फंक्शन। जैसे मान लो सपोज करो म्यू एक फंक्शन है, म्यू इज ए फंक्शन फ्रॉम ई टू आर या समथिंग, तो ये जो ई है, ई ई क्या होगी, क्लास ऑफ सेट्स, मतलब इसमें मेरे पास ई में मेरे पास ए बी सेट्स होंगे, ए और बी किसमें बिलोंग करेंगे, ई में। और म्यू जो फंक्शन है इसमें ए की जो इमेज आएगी मेरे पास वो क्या आएगी, म्यू ऑफ ए, बी की जो इमेज होगी वो मेरे पास क्या होगी, म्यू ऑफ बी। यानी जो डोमेन है, यानी ये जो म्यू फंक्शन आप देख रहे हो इसकी जो डोमेन है ये डोमेन क्या है, क्लास ऑफ सेट्स है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट फंक्शन, ये क्या कहलाएगा, सेट फंक्शन। तो आगे हम क्या करें, जैसे हमें पता है फॉर एग्जांपल लेंथ क्या होती है, सेट फंक्शन। यानी अगर मान लो मेरे पास इसमें कोई एक इंटरवल है आई, आई के लिए अगर मैं एल, जैसे ये म्यू फंक्शन डिफाइन किया था, अगर हम एल डिफाइन करते तो आई पर एल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल ऑफ आई। यानी जो लेंथ है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे सेट फंक्शन, मतलब जितने भी इंटरवल हैं उनकी क्लास लें और उस पर क्या फंक्शन डिफाइन करें, लेंथ फंक्शन, कि जो इमेज आएगी वो उस इंटरवल की क्या आएगी, लेंथ आएगी। तो ये जो लेंथ फंक्शन है इसको हम क्या कह सकते हैं, सेट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन म्यू। म्यू तो फंक्शन हमने बात करी नहीं, लेकिन हम यहाँ क्या वर्ड यूज करें, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू। एक्सटेंडेड रियल वैल्यू का मतलब क्या है, रियल नंबर्स हमें पता है हमारे पास नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो माइनस वन वन, बीच में पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स एंड सो ऑन, लास्ट तक हमारे पास ये सभी रियल नंबर्स होते हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल भी कह सकते हैं। या हम क्या कहते हैं, अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के बीच में, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि एक्स जो है वो मेरा क्या है, रियल नंबर है। लेकिन यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू। एक्सटेंडेड रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आर यूनियन
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी जो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं उनको भी हम अगर आर के साथ इंक्लूड करते हैं, आर में नहीं होता माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, आर में नहीं होता, लेकिन अगर हम ये ले लें तो ये हमारे पास क्या कहेगा, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन म्यू। इसका मतलब क्या है कि किसी सेट पर अगर हम म्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। पहले हम जब रियल ये फंक्शन की बात करते थे, रियल फंक्शन की बात, तो उसमें हम क्या कहते थे, जो रेंज आती थी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होती थी, लेकिन यहाँ हम क्या करें, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू। एक्सटेंडेड रियल वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जो म्यू ऑफ ए या म्यू ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे वो वाली वैल्यू हमारे पास रियल नंबर तो आएगी ही आएगी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन म्यू डिफाइंड ऑन ए क्लास ई ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एज एडिटिव। अगर हम उसको एडिटिव कहना चाहते हैं तो म्यू इज एडिटिव, अगर कहीं वर्ड यूज करते हैं तो म्यू इज एडिटिव का मतलब क्या होगा, ए और बी ई के कोई एनी एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी ई में बिलोंग करता है और ए और बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तो देन म्यू ऑफ ए यूनियन बी, म्यू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव, म्यू इज एडिटिव। लेकिन अगर हम कहीं ये कहते हैं म्यू इज सब एडिटिव, म्यू इज सब एडिटिव, तो इसमें हमारे पास डिसजॉइंट वाली जो कंडीशन गिवन थी वो इसमें से हमारे पास हट जाएगी, ए और बी ई के एलिमेंट, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ई, तो हम क्या कहेंगे, म्यू ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी। इक्वल वाला जो पार्ट आता है वो तब आता है जब ए और बी क्या है, डिसजॉइंट, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, एडिटिव। और अगर हमारे पास डिसजॉइंट ए और बी डिसजॉइंट नहीं गिवन है तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, म्यू ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सब एडिटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फाइनाइटली एडिटिव। फाइनाइटली एडिटिव, अभी हम केवल एडिटिव वर्ड यूज कर रहे थे तो हमने क्लास ई के टू मेंबर्स लिए थे ए एंड बी, अब हम क्या करें, फाइनाइटली एडिटिव मतलब हम क्लास ई के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स लेंगे, सपोज वो हम मेंबर्स क्या ले रहे हैं, ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, और साथ में हम यहाँ वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, डिसजॉइंट, यानी ए वन ए टू ए एन ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होंगे मतलब ए आई इंटरसेक्शन ए जे अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये वैल्यू फाई होगी व्हेनेवर आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे जो है वो इक्वल ना हो, तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं डिसजॉइंट, और इसमें हम इस प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं, फाइनाइटली एडिटिव। तो फाइनाइटली एडिटिव कब कहेंगे, जब म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू एन इज इक्वल टू, सब एडिटिव वाले में लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं फाइनाइटली एडिटिव, तो हम क्या कहेंगे, म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए आई आई इज वेरी फ्रॉम वन टू एन इज इक्वल टू, यूनियन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, समेशन म्यू ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू एन। सिमिलरली अगर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं फाइनाइटली सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव, यहाँ हमारे पास डिसजॉइंट वर्ड मेंशन था, इस डेफिनेशन में से डिसजॉइंट वर्ड रिमूव हो जाएगा, कि ए वन ए टू ए एन एवरी फाइनाइट क्लास है ए वन ए टू ए एन ऑफ सेट्स इन ई हूज यूनियन इज ऑल्सो इन ई, यानी इनकी जो यूनियन होगी ए वन ए टू ए एन की वो किस में हो, ई में हो, तो हम ये वाला रिजल्ट कहते हैं कि म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू एन इज लेस देन और इक्वल टू, जब हम सब एडिटिव फाइनाइटली सब एडिटिव की बात करते हैं तो म्यू ऑफ यूनियन इज लेस देन और इक्वल टू समेशन म्यू ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू एन। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइटली सब एडिटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है काउंटेबली एडिटिव। अभी फाइनाइट, पहले एडिटिव कहा फिर फाइनाइटली एडिटिव कहा, अब हम क्या करें, काउंटेबली एडिटिव मतलब एन्यूमरेबल सेट वाली बात भी आ सकती है, वैसे काउंटेबल सेट क्या होता है, आइदर फाइनाइट और एन्यूमरेबल, लेकिन हम काउंटेबली एडिटिव के लिए क्या कह रहे हैं, वही एडिटिव वर्ड है, सब एडिटिव में डिसजॉइंट नहीं आएगा वर्ड, हम काउंटेबली एडिटिव कह रहे हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं इफ फॉर एवरी डिसजॉइंट सीक्वेंस ए एन ऑफ सेट्स इन ई हूज यूनियन इज आल्सो इन ई, यानी ए वन ए टू ए एन की जो यूनियन है वो भी ई में बिलोंग करे, तो हम क्या कह रहे हैं, म्यू ऑफ
यूनियन ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू यूनियन किस इज इक्वल टू, जब हम केवल काउंटेबली एडिटिव कह रहे हैं तो इज इक्वल टू यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समेशन म्यू ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। यहाँ हमारे पास वर्ड है डिसज्वाइंट, लेकिन जब हम काउंटेबली सब एडिटिव कहेंगे, काउंटेबली सब एडिटिव अगर कहना चाहते हैं तो उसमें से ये डिसज्वाइंट जो वर्ड है वो रिमूव हो जाता है और ये जो इक्वल वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू। यानी काउंटेबली सब एडिटिव में एवरी सीक्वेंस ए एन ऑफ सेट्स इन ई हूज यूनियन इज ऑल्सो इन ई, सो म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू ऑफ ए आई। यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, काउंटेबली सब एडिटिव। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है लेंथ ऑफ एन ओपन सेट। यानी अगर कोई सेट ओपन सेट है तो उसकी अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसकी हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ एन ओपन सेट इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। मतलब उन सभी इंटरवल्स की लेंथ जिससे वो बना होगा, और वो जो इंटरवल्स होंगे वो इंटरवल्स कैसे होंगे, डिसज्वाइंट होंगे। जैसे हम क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ जी अगर मैं ओपन सेट कहता हूँ, जी को अगर मैं ओपन सेट कहता हूँ तो ओपन सेट की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ओपन सेट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ इंटरवल्स। लेकिन ये इंटरवल्स कैसे होंगे, इन इंटरवल्स की यूनियन से जी कंपोज्ड ऑफ होगा, जी बना हुआ होगा इन इंटरवल्स की यूनियन से, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई एन। और साथ में क्या कह रहे हैं, ये जो आई एन इंटरवल्स हैं ये क्या होंगे, डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट मीन्स आई एन वन इंटरसेक्शन आई एन टू इज इक्वल टू क्या होगा, फाई, अगर हमारे पास एन वन एन टू के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ एन ओपन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमारा पेपर है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आउटर मेजर, लिबेग आउटर मेजर कहें, हम इसको सिंपली आउटर मेजर कह देते हैं, ये जो डेफिनेशन है इसका हमारा इस पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में हमारा बहुत ज्यादा योगदान है। देखिए आउटर मेजर हम किसको कहेंगे, या सिंपली आउटर मेजर इसको हम क्या डिनोट करते हैं, एम स्टार ऑफ ए सेट ए डिफाइंड एज क्या होगी, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू सम इनफिमम ऑफ ए इज कवर्ड बाई यूनियन सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन। मतलब उन इंटरवल्स की लेंथ का सम जो इस ए को कवर करते हैं, ए इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन, और जो इनका इनफिमम होगा, जो इनका इनफिमम होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, आउटर मेजर ऑफ ए। क्या कह रहे हैं, वेयर द इनफिमम, इनफिमम इज किस पर ले रहे हैं, इनफिमम इज टेकन ओवर ऑल फाइनाइट और काउंटेबल collections of interval i n such that a is covered by union of i n, और length हमें पता है क्या होती है, positive, किसी भी interval की length find out करते हैं तो वो always positive होती है, so it follows from the definition that कि जो outer measure of a होगी वो हमेशा क्या होगी, non-negative, greater than or equal to zero, so ये जो definition है defining, इसको थोड़ा सा और हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये most important definition है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ए जो है वो कवर्ड बाई है यूनियन ऑफ आई एन, आई एन के इंटरवल से भी कवर्ड हो सकता है, बी जो है वो कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जे एन, कुछ इंटरवल्स फाइनाइट और काउंटेबल कि उनकी यूनियन से भी ए कवर्ड है, ए इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ के एन, इंटरवल्स हैं जिनकी यूनियन से कवर्ड है, A is covered by union of interval ln and so on। A की सारी covering है intervals की, finite भी हो सकती है और infinite भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो intervals की union है इसके लिए हम summation length of i n find out करेंगे, कोई ना कोई number आएगा greater than or equal to zero। इसी वे में जो union j n intervals से covered है ये, इसके लिए हम sum of length of जे एन फाइंड आउट करेंगे, जो ये यूनियन ऑफ के एन से कवर्ड है इसके लिए हम समेशन लेंथ ऑफ के एन फाइंड आउट करेंगे, इसी वे में यहाँ से हम समेशन लेंथ ऑफ एल एन फाइंड आउट करेंगे एंड सो ऑन।
और ये सारी की सारी जो वैल्यूज आएंगी मेरे पास, ये मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वैल्यूज आएंगी, और इन सभी वैल्यूज का जो इन्फिमम होगा, इन सभी वैल्यूज का जो इन्फिमम होगा, वो इन्फिमम मेरे पास क्या कहलाएगा, आउटर मेजर ऑफ सेट ए। यानी ये जो वैल्यू आएगी इनका इन्फिमम मतलब क्या है, ए जो सेट है, ए सेट की जितनी भी कवरिंग्स बनती हैं, ऑल पॉसिबल कवरिंग्स, उन सभी पॉसिबल कवरिंग्स के लिए हम सम ऑफ लेंथ फाइंड आउट करें, और वो जो सम ऑफ लेंथ आएगी इंटरवल्स का, उनका अगर हम इन्फिमम फाइंड आउट करते हैं, तो उस इन्फिमम को हम क्या कहेंगे, आउटर मेजर ऑफ सेट ए। तो वो क्या कहलाएगी, आउटर मेजर ऑफ सेट ए। इससे रिलेटेड रिजल्ट है हमारे पास कि अगर ए सबसेट है बी का, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। दैट इज जो आउटर मेजर की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मोनोटोन प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी। ए सबसेट है बी का, तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। सिंपल रिजल्ट है, अगर हम प्रूव करना चाहें तो देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, जो आउटर मेजर की डेफिनेशन है, इनफिमम की जो डेफिनेशन होती है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन होती है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या इनफिमम है, तो उसमें हम वो वैल्यू जो है वो हमारी वैल्यू इनफिमम वैल्यू होती है। जैसे यहाँ हम एम स्टार बी कह रहे हैं, बी किसी भी यूनियन से कवर्ड होगा, तो आउटर मेजर ऑफ बी में अगर मैं कुछ ऐड कर दूंगा, देखो जो वैल्यूज हैं इनफिमम वैल्यू, यानी जो भी हमारे पास, जैसे आप जानते हैं कि अगर मारो मेरे पास एक इंटरवल है 2 to 3, एक इंटरवल है, तो इसकी अगर मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहता हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो वो क्या कहलाती है, 2। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसकी क्या कहलाती है, 2 कहलाती है, या इस सेट का जो इनफिमम की अगर हम बात करें तो वो इनफिमम 2 कहलाएगा। तो अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि इस 2 में से मैं कुछ कम कर रहा हूं, तो वो इस इंटरवल में आएगा ही नहीं, लेकिन अगर 2 में मैं कुछ ऐड करता हूं, तो वो इस इंटरवल की किसी न किसी वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। वो 2 जो है, अगर 2 में से मैं कुछ माइनस करूंगा तो वो हमेशा छोटा ही रहेगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इन्फिमम की डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा तो वो इस इंटरवल की किसी न किसी वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। इन्फिमम की बात करते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, आउटर ऑफ मेजर ऑफ बी में अगर मैं कुछ एप्सिलॉन ऐड करूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा किसी न किसी सम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल के। अगर हमारे पास इन्फिमम की जगह सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड होता, तो उस केस में हम उसमें, अगर मतलब इसका अगर मैं लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड अगर वो मैं कहता हूँ 3 है, तो उसमें मैं कुछ ऐड कर दूंगा तो वो तो इससे बड़ा रहेगा ही रहेगा, अपर बाउंड आ ही जाएगी वो। लेकिन क्या है कि अगर हम ये कहें कि उसमें से मैं कुछ माइनस कर दूं, 3 में से मैं कुछ माइनस कर दूं, तो वो इस इंटरवल की किसी न किसी वैल्यू से छोटा हो जाएगा। अपर बाउंड होती है लिस्ट अपर बाउंड होती है, लेकिन अगर उसमें से कुछ माइनस कर दें, आपने इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में भी कुछ रिजल्ट्स करते हैं, इनफिमम सुप्रीमम से रिलेटेड रिजल्ट करते हैं, तो हमेशा रटने की जरूरत नहीं होती। जब इनफिमम का क्वेश्चन होता है तो उसमें हमेशा एप्सिलॉन ऐड करके ही वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी हमें, और अगर हमारे पास सुप्रीमम का क्वेश्चन होगा, लिस्ट अपर बाउंड का क्वेश्चन होगा, तो उसमें हमारा उसमें से कुछ ना कुछ माइनस किया जाएगा और वो वाली वैल्यू लेस हो जाएगी। ये जो पार्ट आता है ये बाई डेफिनेशन ऑफ इनफिमम और सुप्रीमम आता है। तो उसी वे में हम यहाँ ये कह रहे हैं कि बाई डेफिनेशन ऑफ इनफिमम कि एक काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इंटरवल आई एन ऐसी होगी कि बी इस यूनियन से कवर्ड होगा, और आउटर मेजर ऑफ बी में अगर मैं एप्सिलॉन ऐड करता हूं तो वो वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें पता है हमारे पास क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, और हमारे पास क्या गिवन है, बी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। तो इसका मतलब जो ए है वो इस यूनियन का सबसेट हो जाएगा, और ए इस यूनियन का सबसेट हो जाएगा, तो आउटर मेजर ऑफ ए जो होता है वो जितनी भी कवरिंग होता है उन सबकी क्या होता है, इनफिमम। तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन, और सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन क्या है, लेस देन एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन। फ्रॉम इक्वेशन 1 इस वैल्यू को क्या कह सकते हैं, लेस देन आउटर मेजर ऑफ बी प्लस एप्सिलॉन, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन। और इसमें इसमें मेरे पास यहां से ये जो रिजल्ट, यहां से आप जो रिजल्ट देख रहे हो,
ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो एम स्टार ए इज लेस देन एम स्टार बी प्लस एप्सिलॉन, लेकिन इसमें एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन क्या होता है ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी, तो एप्सिलॉन को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं एम स्टार ए इज लेस देन और इक्वल टू एम स्टार बी। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि अगर ए सबसेट है बी का तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी होगी। और सेकंड जो रिजल्ट है वो तो बाय डेफिनेशन ही प्रूव हो जाता है हमारा कि आउटर मेजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव। आउटर मेजर किसी भी सेट की फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि आउटर मेजर हम क्या डिफाइन करते हैं इनफिमम ऑफ सम ऑफ लेंथ, और सम ऑफ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो आउटर मेजर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट रिजल्ट मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरली हम रिजल्ट को काफी थ्योरम्स में यूज करते हैं। आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, मतलब कोई भी इंटरवल है और उसकी अगर हमें आउटर मेजर फाइंड आउट करनी है तो वो आउटर मेजर जो होगी वो उस इंटरवल की लेंथ के इक्वल होगी। तो इसके लिए देखें इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए कि कोई भी हमारे पास इंटरवल है तो उसकी जो आउटर मेजर है वो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी। इसको हम थ्री केसेस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा जो इंटरवल है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सेकंड पॉसिबिलिटी में हम ओपन एंड बाउंडेड लेकर चलेंगे, और थर्ड केस में हम अनबाउंडेड इंटरवल लेकर चलेंगे, और तीनों पॉसिबिलिटीज में हम प्रूव करेंगे कि जो इंटरवल की आउटर मेजर होगी वो उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल होगी। और आगे दो चार मिनट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पहले फर्स्ट केस यही क्यों लिया कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, अभी हम आगे देखेंगे कि ये हमने क्यों लिया है वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम सपोज कर रहे हैं कि जो इंटरवल है वो हमारा क्या है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, यानी वो हमने मान लिया आई जो इंटरवल है वो क्या है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सो हमें क्या प्रूव करना है कि जो इस इंटरवल की आउटर मेजर होगी वो किसके इक्वल होगी लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आउटर मेजर ऑफ आई लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए प्रूव कर दूं एंड आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए प्रूव कर दूं, अगर मैं ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर देता हूं तो हम क्या क्या पाएंगे आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल, और हमारा ये जो केस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वन बाय वन पहले हम क्या प्रूव करेंगे आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए। तो सिंपल रिजल्ट है देखें क्या है, सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आई जो इंटरवल है वो क्या है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये किस में कवर्ड होगा ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मान लो ये ए है और ये बी पॉइंट है तो ये मेरा एक क्लोज्ड इंटरवल है। अगर मैं ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ कहीं होगा, ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन यहाँ कहीं होगा। तो यानी ये जो मैं ओपन इंटरवल लूंगा ए माइनस एप्सिलॉन टू बी प्लस एप्सिलॉन वो इंटरवल इस क्लोज्ड इंटरवल को कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज कवर्ड बाई दिस इंटरवल। जैसे हमने ये कहा था ए इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ इंटरवल्स आई एन, जैसे हम कहते थे उसमें हम जो ये इंटरवल से कवर्ड होता था ए वो क्या होता था, यहाँ मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स भी हो सकते थे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ भी हो सकते थे काउंटेबल वाली जो बात करते थे। इसी वे में मेरे पास ये समझ लो ये मेरे पास एक इंटरवल है आई इज, आई को ये समझो ये ए होता, ए इज कवर्ड बाई वन इंटरवल, तो इस ए की जो आउटर मेजर होगी वो लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ लेंथ का इनफिमम हम कहते थे, इनफिमम ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन सच दैट ए इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ आई एन। तो यहाँ हम जो बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर लिख रहे हैं ये जो लाइन लिख रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, ये बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से लिखी है। ये इसको अगर मान लो मैं ये कहता ये ए ए इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ इंटरवल्स जो हम लेते थे, तो आउटर मेजर ऑफ ए को क्या कहते थे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबसे आउटर मेजर की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ लेंथ होगा, क्योंकि आउटर मेजर ऑफ ए को हम क्या कहते थे इनफिमम ऑफ सम ऑफ लेंथ। तो इसी वे में यहाँ जो लिखा गया ना आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू ये जो इंटरवल है इस इंटरवल की लेंथ से,
दिस इज बाई डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। और यहां से आपको पता है इंटरवल की जो लेंथ है, यहां हम इसको इक्वल टू वर्ड भी यूज कर सकते थे, लेंथ ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस एप्सिलॉन माइनस ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी आउटर मेजर ऑफ आई क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए प्लस टू एप्सिलॉन। लेकिन इसमें हम एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्रेरी होता है, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, तो आउटर मेजर ऑफ आई इज क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए यानी लेंथ ऑफ आई। यानी ये वाला जो पार्ट है, आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए, ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब जो सेकेंड पार्ट है, आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए, इसको प्रूव करेंगे। और ध्यान रहे, इससे हमारा फर्स्ट केस ही कंप्लीट होगा कि अगर आई इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो उसके लिए हमारा रिजल्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सो क्या है नाउ टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना था, लेंथ ऑफ इंटरवल सॉरी आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, सो इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट। हमने क्या प्रूव करना है, आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए देखें क्या कह रहे हैं, लेट IN बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स विच कवरिंग I, यानी ये जो इंटरवल्स की यूनियन है ये इस I को कवर करती है, I इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ इंटरवल्स। अब देखिए हमने ये जो रिजल्ट लिया था क्लोज्ड एंड बाउंडेड उसका यूज होगा, हमें इसका मतलब यहां से जो पार्ट है सम ऑफ लेंथ जो होगा, इस क्या कह रहे हैं, दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ IN को अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए प्रूव कर दें, अगर हम इस केस में जो आई इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ आई एन है, अगर मैं इस सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन को बी माइनस ए से ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की जितनी भी कवरिंग्स हैं, आई की जितनी भी कवरिंग्स हैं उनकी लेंथ का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए होगी, तो इसका मतलब इनका जो इन्फिमम होगा वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए, और इनका इन्फिमम क्या कहलाएगा, आउटर मेजर ऑफ आई। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि आउटर मेजर ऑफ आई को जो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए प्रूव करना चाहते थे, तो इसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि ये जो लेंथ्स ऑफ इंटरवल से कवरिंग है, आई जो हमारा कवर्ड है, आई जो हमारा कवर्ड है यूनियन ऑफ इंटरवल से, हम क्या प्रूव करते हैं कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ आई एन ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए होगा फॉर ऑल एन, सो इट इज सफिशियंट टू प्रूव दैट कि इनफिमम ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसके लिए अब देखें हम क्या कह रहे हैं, जो इंटरवल है आई क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। और हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर का अगर कोई भी हमारे पास क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट हो तो वो कॉम्पैक्ट होता है उस सेट को, यानी आई हमारे पास क्या होगा, कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट के केस में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं रियल एनालिसिस में, हैनी बोरल थ्योरम। और इस थ्योरम में हम क्या कहते हैं, एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो ये रिजल्ट यूज होता है, इसकी हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। इसीलिए हमने जो केस फर्स्ट लिया है वो हमने क्या लिया है कि जो आई इंटरवल है वो क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, तो बाई हैनी बोरल थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल फ्रॉम दिस कलेक्शन, ये जो आई एन कवरिंग है आई की, इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे जो इसको कवर करेंगे, तो रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर भी वर्ड यूज कर देते हैं, तो कंटेन्स आई। और वो हम मान लेते हैं कि वो इंटरवल्स क्या है, J1, J2, J3, यानी ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में से J1, J2, JP, P ऐसे इंटरवल्स हैं जिनकी यूनियन जो है वो कवर करेगी क्लोज्ड इंटरवल AB को। दिस रिजल्ट इज बाई हैनी बोरल थ्योरम कि एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, लेकिन तब है ये रिजल्ट जब वो सेट हमारे पास क्या हो, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन है एवरी ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो यहाँ क्या करें कि ये यूनियन जो है वो इस ए बी इंटरवल को कवर करेगी, तो हमें क्या प्रूव करना था, इनकी लेंथ का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए। लेकिन अब हम क्या कह देते हैं कि हम केवल यही प्रूव कर दें कि जो J1, J2, JP इंटरवल है इनकी लेंथ का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए अगर आ जाता है तो भी, क्योंकि हमने इसमें से कुछ कम ही लिए हैं। अगर ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए है तो पहले वाली जो कवरिंग थी उसकी लेंथ का सम तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए होगा ही होगा। सो
बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ध्यान से देखने की जरूरत है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और ये जो आगे का जो पार्ट है बिल्कुल इजी पार्ट है अगर हम इसको समझ के करते हैं तो, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या करें, हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या है, ए बी, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्लोज इंटरवल ए बी है, और हमने यहाँ ये कहा है कि जो ये ए बी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ जी आई, आई इज इक्वल टू 1 to P, यानी ये इंटरवल इसमें कवर्ड है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब जो ये ए पॉइंट है वो ए पॉइंट भी इसमें होगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक इंटरवल होगा जिसमें ये ए पॉइंट बिलोंग करेगा, और हम क्या कह रहे हैं कि वो इंटरवल क्या है, ए वन बी वन। क्या कह रहे हैं, नाउ ए बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल जे वन इज इक्वल टू ए वन बी वन फ्रॉम द अबव मेंशन फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स। अबव मेंशन इंटरवल्स कौन से हैं हमारे पास, जे वन जे टू जे टी, उनमें से एक इंटरवल ऐसा होगा जिसमें ए बिलोंग करेगा, यानी ए की जो वैल्यू है वो इस ए वन बी वन इंटरवल में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए वन इज लेस देन ए इज लेस देन बी वन, और जो ये बी वन है अगर ये बी वन लेस देन और इक्वल टू बी भी हो सकता है और ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ये जो बी वन पॉइंट है वो लेस देन और इक्वल टू बी भी हो सकता है और ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। हम स्टेप बाई स्टेप चलेंगे और ऐसा फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट ग्रेटर देन बी हो जाए। तो सपोज कर लो कि अगर मान लो बी वन लेस देन और इक्वल टू बी है, यानी इसका मतलब बी वन जो पॉइंट है वो यहाँ है या पहले कहीं है, यानी इसका मतलब ये मेरे पास मान लो ए वन है और ये मेरे पास बी वन है, मैंने मान लिया कि बी वन जो है वो लेस देन बी, ज्यादा से ज्यादा बी वन यहाँ तक हो सकता है, बी तक हो सकता है, क्योंकि अगर बी से आगे चला जाएगा तो हमारा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमने यह मान लिया कि ये जो है बी वन जो है वो इंटरवल आई में बिलोंग करता है, अब बी वन लेस देन और इक्वल टू बी है तो बी वन इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, अब बी वन इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब इस कलेक्शन के किसी न किसी एक इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो बी वन जो है उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, बी वन जो है वो नॉट कवर्ड बाई ओपन इंटरवल जे वन, बी वन जो है वो इस इंटरवल में नहीं है, तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, क्या ले लिया हमने, ए टू बी टू फ्रॉम दिस फाइनाइट कलेक्शन ऑफ जे वन जे टू जे टी सच दैट कि बी वन जो है, बी वन जो है वो इस इंटरवल ए टू बी टू में बिलोंग करेगा, और इस इंटरवल में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं होगा, इसका मतलब ए टू इज लेस देन बी वन इज लेस देन बी टू होगा, मतलब ये बी वन आ गया, ये मान लो मेरे पास ए टू बी टू हो गया, मतलब बी वन जो है वो ए टू बी टू इंटरवल में लाइक करता है, और बी टू अब जो है मेरे पास ये बी टू, ये बी टू इस बी के इक्वल हो सकता है या इससे पहले होगा या इससे आगे होगा, हमने मान लिया कि बी टू जो है वो इससे पहले है या इसके इक्वल, हम स्टेप बाई स्टेप इस बी टू बी थ्री बी फोर को लेकर इस बी को क्रॉस करना चाहेंगे, तो अब इसका मतलब ये बी टू आ गया, अब बी टू अगर बी को क्रॉस कर देगा तो हमारा ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, और अगर मान लो नहीं है, कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल ए वन बी वन ए टू बी टू एंड सो ऑन ए एम बी एम फ्रॉम दिस कलेक्शन जे वन जे टू जे पी सेटिस्फाइंग, क्या होगा, अब बी टू नहीं है तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ए थ्री बी थ्री, बी थ्री मेरा बी से पहले है, एंड सो ऑन चलते चलते लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, ए एम बी एम, ये जो बी एम पॉइंट है वो इस बी से आगे चला जाएगा, और ये प्रोसेस होगा ही होगा क्योंकि मेरे पास जे वन जे टू जे पी की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो फाइनाइट है, और बी इस इंटरवल में है तो इसका मतलब बी इस यूनियन ऑफ जे आई में बिलोंग करेगा, तो बी इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मेरे पास ए वन ए टू ए वन बी वन ए टू बी टू एंड सो ऑन ए एम बी एम इस वे में होंगे कि बी जो है वो मेरा ए एम बी एम में बिलोंग करेगा, तो वही कह रहे हम कि जो इंटरवल्स हैं इस वे में होंगे कि ए आई इज लेस देन बी आई माइनस वन इज लेस देन बी आई फॉर आई इज इक्वल टू टू थ्री एंड सो ऑन एम, यहां से आप देख रहे हो आई की वैल्यू टू पुट करता हूं, मैं आई की वैल्यू टू पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, ए टू इज लेस देन बी वन इज लेस देन बी टू, यही हमने लिखा था, ए टू इज लेस देन बी वन इज लेस देन बी टू, आई की वैल्यू थ्री पुट करते हैं, आई की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए थ्री इज लेस देन बी टू इज लेस देन बी थ्री, यानी बी टू की वैल्यू ए थ्री बी थ्री के बीच में लाई करती है, बी टू की वैल्यू ए थ्री बी थ्री के बीच में लाई करती है एंड सो ऑन, और लास्ट में स्टेप बाई स्टेप ये करते करते
हमारे पास क्या आ जाएगा कि AM BM जो इंटरवल होगा, AM BM इंटरवल, उसमें मेरे पास ये B लाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, J1 J2 JP, तो ये स्टेप बाय स्टेप करते करते फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद लास्ट में एक इंटरवल ऐसा आ जाएगा जो इस बी को भी कवर करेगा। और ये जो एम हम लिख रहे हैं, एम एम बी कम भी हो सकते हैं या एम जो है वो पी के इक्वल भी हो सकता है। कई बार किसी किसी बुक में एम के प्लेस पर पी लिख दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम लिखना चाहे तो एम लिख के सॉल्व कर लें, पी लिखना चाहे तो पी लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहता है वो रहता है कि अगर हम इसमें AM BM पे, एम पी के इक्वल भी हो सकता है, पी से कम भी हो सकता है, कि ये हमारे पास कवरिंग आ जाएगी। तो अब अगर हम इनकी लेंथ का सम फाइंड आउट करें, समेशन लेंथ ऑफ आई एन, इन फाइनाइट इंटरवल थे उनमें से हमने फाइनाइट इंटरवल्स लिए हैं, तो इसका मतलब जो सम ऑफ लेंथ होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, समेशन लेंथ ऑफ AI BI। आई की वैल्यू वेरी करती है 1 to m, यानी लेंथ ऑफ A1 B1 प्लस लेंथ ऑफ A2 B2 प्लस सो ऑन लेंथ ऑफ AM BM। और यहाँ से लेंथ ऑफ A1 B1 आपको पता ही है, B1 माइनस A1, लेंथ ऑफ A2 B2 को B2 माइनस A2 एंड सो ऑन BM माइनस AM हो जाएगा। और यहाँ से आप कुछ हम पेयर्स बनाएंगे पॉजिटिव नंबर के, लेकिन ये जो BM है लास्ट वाली टर्म में और जो फर्स्ट टर्म में A1 है, इनका पेयर भी बनेगा। तो एक तो हमारे पास BM आ गया और एक ये A1 अलग हो गया। अब ये जो आप देख रहे हो BM AM है, इससे पहले वाली अगर टर्म अगर हम यहाँ लिखते तो क्या होती, BM-1 माइनस AM-1, और इनमें से हम ये वाला पार्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ये सॉरी BM तो हमने ले लिया, यहाँ जो मेरे पास पार्ट होता BM-1 माइनस AM-1, इसमें से BM-1 और AM इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, BM-1 माइनस AM। फिर इससे प्रीवियस टर्म से हमारे पास क्या आ जाता, BM-2 माइनस AM-1 एंड सो ऑन। इससे यहाँ से हम देखें तो ये मेरे पास B1 है और ये माइनस A2 है, B1 एंड माइनस A2 माइनस A1। और ये जो आप टर्म देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो B1 माइनस A2, B2 माइनस A3 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा था कि ये A है तो ये मेरा A1 है, ये मेरा B1 है, ये मेरा A2 है, ये B2 है। तो B1 माइनस A2, B1 यहाँ है और A2 यहाँ है, तो B1 माइनस A2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारी की सारी जो ब्रैकेटेड टर्म्स हैं ये क्या होंगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन BM माइनस A1, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन BM माइनस AM A1। और आपको पता है BM माइनस A1 को मैं क्या कह सकता हूँ, ग्रेटर देन B माइनस A। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ये A और B था, यहाँ मेरे पास क्या आया था A1 और यहाँ मेरे पास क्या आया था BM। तो ये जो A और B का डिफरेंस है यानी B माइनस A, और ये जो मेरे पास डिफरेंस है BM माइनस A1, तो BM माइनस A1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन B माइनस A। BM माइनस A1 क्या होगा, ग्रेटर देन B माइनस A। ये सम ऑफ लेंथ है, ग्रेटर देन B माइनस A। तो इनका जो इन्फिमम होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनका जो इन्फिमम फाइंड आउट करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकता है। तो जो इन्फिमम होगा समेशन लेंथ ऑफ आई एन का, वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू B माइनस A, यानी आउटर मेजर ऑफ आई क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू B माइनस A। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कहा था, आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू B माइनस A। अब हम क्या कह रहे हैं, आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B माइनस A। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो क्या हो जाएगी, B माइनस A। यानी इंटरवल की जो आउटर मेजर होगी, इंटरवल की जो आउटर मेजर होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेकिन ध्यान रहे ये केस हमने जो प्रूव किया है वो केवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए प्रूव किया है, हमने ये जो रिजल्ट प्रूव किया है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए प्रूव किया है। अब हम ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे, बिल्कुल इजी रिजल्ट होगा। केस सेकंड में हम क्या करें, बाउंडेड ओपन इंटरवल विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी है, तो उस केस में हम ओपन लेकर चल रहे हैं। तो सिंपल रिजल्ट है कि हमारे पास जो इंटरवल है आई, सपोज करो ये मेरे पास ओपन इंटरवल है ए बी, तो ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल ए बी,
ए प्लस एप्सिलॉन से बी माइनस एप्सिलॉन का जो क्लोज्ड इंटरवल है तो वो इसको कवर करेगा, और ये ए बी ओपन इंटरवल जो है वो तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसेट होता ही है। यानी ये भी एक क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, ये भी क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, और आई जो है वो इन दोनों क्लोज्ड इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो ये बाउंडेड भी था। तो इसका मतलब मेरे ये जो इंटरवल्स हैं दोनों, ये क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो उसकी आउटर मेजर क्या होगी, इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इसके लिए आप देखें, और एक रिजल्ट हमने और प्रूव किया था कि अगर ए सबसेट है बी का तो जो आउटर मेजर ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ बी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट कि ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ सी कहें, तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ सी, तो आउटर मेजर ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और जो ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है इसकी आउटर मेजर हमें पता है क्या होगी, लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई, और फिर अगेन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, तो यहाँ लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए, और इसकी लेंथ आपको पता ही है, एक्सट्रीम का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, बी माइनस एप्सिलॉन माइनस ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन कहेंगे लेकिन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई माइनस ए, वही एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी, इसमें माइनस 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 टू एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो जो ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है तो उस केस में तो हमारा रिजल्ट इजिली प्रूव हो जाएगा। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए फिर हम इजिली इस रिजल्ट को प्रूव कर जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने केवल बाउंडेड इंटरवल्स की बात की है, इंटरवल अनबाउंडेड भी हो सकता है। सो आई जो है वो हम क्या करें, अनबाउंडेड इंटरवल, अनबाउंडेड इंटरवल के लिए आपको पता ही है कि डिफाइनिंग क्या बनती है, कि अगर हम कोई भी रियल नंबर ले लें, फॉर ईच रियल नंबर आर ग्रेटर देन जीरो, तो हम क्या कह सकते हैं, हम एक बाउंडेड इंटरवल ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जो कंटेंड होगा आई में, और उसकी जो लेंथ होगी जे की वो ग्रेटर देन आर हो, क्योंकि आई हमारा क्या है, अनबाउंडेड इंटरवल है। अनबाउंडेड इंटरवल के लिए क्या डिफाइनिंग होती है, कि हम कोई भी रियल नंबर लें आर, उसके लिए हम एक सबसेट बाउंडेड क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल कह लें, क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आई कह लें, जिसकी लेंथ ग्रेटर देन आर होगी, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड इंटरवल। तो इसका मतलब जे क्या है, सबसेट ऑफ आई है, और जे सबसेट ऑफ आई है तो हमें पता है आउटर मेजर ऑफ जे क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई। इसका मतलब या तो इसको क्या कह सकता हूँ, आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ जे, और आउटर मेजर ऑफ जे की क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के लिए ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होती है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल की आउटर मेजर क्या होती है, उस इंटरवल की लेंथ, और इस इंटरवल की लेंथ क्या है, ग्रेटर देन आर। तो इसका मतलब मेरे पास आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आर, और आर हमने एनी पॉजिटिव रियल नंबर लिया है, हाउएवर लार्ज इट में भी, तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन आर है, हाउएवर लार्ज इट में भी, तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ आई जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और इंटरवल अनबाउंडेड है तो उसकी लेंथ भी अगर हम कहेंगे तो वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट। यानी अगर आई अनबाउंडेड इंटरवल है तो उस केस में भी जो आउटर मेजर ऑफ आई होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल, दैट इज आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। मतलब कोई भी हमारे पास इंटरवल है उसकी अगर हम आउटर मेजर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आप इन वीडियोस को देख पाएं। थैंक यू।